excited to be a part of the music launch first of all. Excited to be a part of this event which is happening today. आज जो हो रहा है ये मेरे हस्बैंड इसमें वन ऑफ द प्रोड्यूसर है नीरज भारद्वाज और मेरी तो बेस्ट विशेज रहेंगी डेफिनेटली. मेरे घर की फिल्म है तो मैं चाहती हूँ फिल्म बहुत चले और जो डायरेक्टर हैं मनोज जी उनके साथ मैं ऑलरेडी बहुत काम कर चुकी हूँ तो इसके बाकी इससे ज़्यादा मैंने भी अभी फिल्म देखी नहीं है. जितना आपने टीज़र या ट्रेलर देखा है बस उतना ही देखा है लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इसे इस फिल्म को पसंद करेंगे. देखिए सारे फ्रेंड्स हैं वेल विशर्स हैं तो डेफिनेटली उनकी शुभ इच्छाएँ और उनकी विशेष चाहिए फिल्म चलने के लिए. सब बहुत खुश हैं जिन्होंने फिल्म देखी है वो बहुत खुश हैं कि फिल्म अच्छी बनी है और बाकी तो ऑडियंस पे है क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा जज मुझे हमेशा लगता है कि ऑडियंस होती है. तो अगर दर्शकों को पसंद आएगी तो फिल्म अच्छी है, दर्शकों को पसंद ना आए तो फिल्म अच्छी नहीं है. बिल्कुल नहीं, मेरा मैं अगर बोलूँ मेरा एक पैसे का कंट्रीब्यूशन नहीं है इस फिल्म में और उन्होंने ही फिल्म का सब्जेक्ट उन्होंने ही डिसाइड किया क्या है और उन्होंने ही कास्टिंग की उन्होंने सब किया है तो और जो काम मैं नहीं कर रही होती हूँ मैं उसमें कभी इंटरफियर नहीं करती हूँ क्योंकि उनको ज़्यादा पता है कि वो फिल्म बना रहे हैं और अकेले वही प्रोड्यूसर नहीं है इसमें दो तीन और प्रोड्यूसर्स भी हैं तो इसलिए मेरा इंटरफेयर करना मुझे लगता है बनता भी नहीं है इस फिल्म में. हाँ अगर वो अकेले प्रोड्यूसर हों या मैं खुद प्रोड्यूस कर रही हूँ तो डेफिनेटली मैं बोलूँ कि ये आइडिया ले लो ये ऐसा कर लीजिए या इसको कास्ट करिए इसको, इसमें मेरा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है. अगर फिल्म चलेगी तो उन्हीं की मेहनत है ये और मेरी विशेज हैं बेस्ट विशेज हैं कि फिल्म चले. थैंक यू बुला रहे कलाकार ही है इसको कहते हैं तो जिस फिल्म को इतने अच्छे अच्छे जुनून के
कलाकार मिले हो, इतने अच्छे प्रोड्यूसर्स मिले हो, इतनी अच्छी मिली हो, वो फिल्म कैसे नहीं चलेगी, काहे नहीं चलेगी, कौन सी कारण है जो दर्शक और क्या देखना चाहेंगे, हमने देखा है उस फिल्म को। एज ए नॉट ए प्रोड्यूसर, मैं प्रोड्यूसर तो हूं ही नहीं, तो ये और इन लोगों का एक तो होता है ना काफिला, तो हाँ चलेंगे, हम चलेंगे, चलते हैं, साथ चलेंगे, लेकिन वो दर्शक के रूप में मैंने फिल्म देखी है और आपको भी दिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी बेहतरीन फिल्म बनी है और आपकी फिल्म को पूरे इंडिया के दर्शक पसंद करेंगे और एक नंबर चलेगी, मुझे पूरा यकीन और विश्वास है। इतने इतने अच्छे अच्छे कलाकार मिले, देखिए ये मैडम तो पहचान ही नहीं रहा कि यही हमारे वो जैसी पीडीसी है, ये तो हीरोइन जैसी आज दिख रही है। और वहाँ इस फिल्म की शूटिंग हुई, उस गाने की शूटिंग हुई, जब ही कभी जब मैं देखता था और राजकुमार जी का फिल्म देखता था नील कमल, उस प्रांगण में आपके फिल्म के गाने की शूटिंग हुई और ये फिल्म आपसे और क्या चाहिए था। एक इतनी छोटा परिवार इतनी बड़ी फिल्म बना सकता है, राइटर का जेहन में जो उपस्था जो था उसे धरातल पर ला सकते हैं, डायरेक्टर कैमरा मैन, तो हम लोग तो देखेंगे ही फिल्म को। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जितने हैं ना उसका चार गुना लोग तो कम से कम जरूर टिकट लेके पहले दिन जाएंगे 26 अक्टूबर को रिलीज। प्रोड्यूसर के क्यू में आ गया हूं नहीं, लेकिन मुझे जीवन में जब 64 पसंद मैंने देखे हैं, होश में 50, तो मुझे जो कोई अच्छा काम करना चाहते हैं करना वाले होते हैं हमसे, उनका अगर संबंध है तो मैं चाहता हूं उनको हेल्प करूं, सहयोग करूं, आगे बढ़े और अच्छा काम करें। तो फिल्म भी एक अच्छी चीज है जिसे देखने से हम काम करते करते थक जाते हैं, तो और थोड़ा हमारा एंटरटेनमेंट होता है। फिल्म एक एंटरटेनमेंट का भी बहुत अच्छा साधन है, इसमें लेसन भी है। इस फिल्म में जो हमने देखा है, हम पहले जो फिल्म देखते थे हम लोग जब हम यंग थे, तो पहले गाना में हमारा पैसा वसूल हो जाता था, ठीक है सर, पहला गाना जैसे। हमें उम्मीद है इस फिल्म से भी आप बहुत कुछ लेसन भी लेके जाएंगे एंटरटेनमेंट के साथ साथ। बहुत वक्त लिया, धन्यवाद। हमारे श्वेता जी हैं, हमारे नीरज जी हैं, मैं देता हूँ श्वेता जी को। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू टू वन एंड ऑल ओवर हियर प्रेजेंट टू रियली ब्लेस अस एंड ग्रेस दिस लोकेशन। आई विल नॉट टेक द स्पीच सो लॉन्ग एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर द ट्रेलर फॉर व्हिच यू ऑल हैव कम। So might as well, Manoj ji, shuru karo. Okay, thank you and enjoy. आप लोग ट्रेलर लॉन्च करते हैं, मैं लेकिन चाहूंगा जरूर कि इस फिल्म के संबंध में नीरज बाबा जी तो मुझे सामने आने का मौका मिल रहा है। पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का जो आप लोग वक्त निकाल कर यहाँ आए और हौसला अफजाई करने के लिए हमारे यहाँ आए यहाँ पर, और आप लोग का ब्लेसिंग की जरूरत तो हमेशा रही है मुझे, हमें हमारी टीम को। तो मुझे इस बात की अंदाज़ा मैं लगा सकता हूँ इस बात का कि आप लोग ज़रूर ब्लेसिंग्स तो दे ही रहे होंगे। बस आप लोग, मैं सोचता हूँ आप लोग ट्रेलर देखिए अच्छा से, और यहाँ पर सारे टीम मौजूद है, परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है। शायद टीजर में बहुत लोग आए हुए थे आप लोग, तो उस समय भी आप लोग इंट्रोड्यूस हो ही चुके थे सब लोगों से, और इतने ही रंग बिरंगे चेहरे हैं इस फिल्म में मिलेंगे आपको। अब तय करना है कि कौन कहाँ जाता है और ये फिल्म किस रूप में जनता के सामने ऑडियंसेस पसंद करती है। बस दुआ कीजिए अच्छा चल जाए, हम लोग भी आगे बढ़ते रहें। एक कोशिश किया हम लोगों ने, मनोज जी ने, हम दोनों ने मिलकर एक कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि चले दोनों आदमी और लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। श्वेता आई, कृष्णा जी आए, धर्मा आए, सब लोग मिलजुल के हम लोगों ने, बस कोई प्रोड्यूसर यहाँ नहीं है, एक तगमा लगा हुआ है कि मैं प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर, सब प्रोड्यूसर हमारी फिल्म के, सब फिल्म की बेहतरी चाह, सब बेहतरी चाह, सबसे बड़ी बात है। कई बार होता है फिल्म में, मैं भी एक एक्टर रहा हूँ, कि हमें अपने स्वार्थ से मतलब होता है कि
धन मिला, धन मिलना चाहिए। लेकिन इस टीम के साथ मैं एक लाइन सिर्फ बोलूंगा कि यहाँ स्वार्थ से कोई नहीं जुड़ा हुआ है, फिल्म अच्छी होनी चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा पैसा दिया नहीं किसी को। थैंक यू मनोज जी को। मैं एक मिनट कपिल जी से कहूँगा कि कुछ डॉक्टर अपनी फिल्म के संबंध में बताएं। हेलो, हमारे बीच हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आ चुके हैं, मैं उन्हें मंच पे बुलाना चाहूँगा। अजय कनौजिया जी, और ये कहानी है दो औरतों की टक्कर की, जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल और बहुत ही उनके अलग अलग रूप हैं, और एक कॉमन चीज है कि वो दोनों बहुत ही शांति हैं। तो विदिता मेघना मलिक, बाकी जो भी कहना है सब लोग कह चुके हैं, और मेरे लिए कहने लायक बचा कुछ नहीं है, क्योंकि एक सस्पेंस थ्रिलर है, मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। और जो भी किया है थोड़ा बहुत झलक आपको ट्रेलर में दिखेगा। यही कि शब बेबी, धन्यवाद आप सब लोगों का, और आप सब लोगों की बेस्ट विशेष चाहिए पूरी टीम को, और अब ट्रेलर को आप तो सब कनौजिया जी दाखिल से सुनते हैं। नहीं सॉरी, मेरे रमेश जी एक तो बोलेंगे, उसके बाद फिर प्यारे साथियों, हम यहाँ पे सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपका प्यार है, और ये आपका प्यार हमेशा हमारे साथ में रहना चाहिए, और उसी की बदौलत हम सब यहाँ पे हैं, और उस ऊंचाइयों को हम छूना चाहते हैं जिस ऊंचाइयों का सपना हमारे उसको जी ने देखा, और उसको धरातल पे उतारने के लिए धीरज जी और श्वेता जी सामने आए, और उसको एक शानदार अंदाज के अंदर पिरोया मनोज जी ने, और उसकी अगली कड़ी के अंदर ये यहाँ तक तो बस सिर्फ ठहराव सा आ गया, लेकिन इसको जो अब पुशअप करना है वो तो आप लोग ही करने वाले हैं। इसलिए हम और आप और हम एक परिवार है, और इसी की वजह से हम यहाँ पे आज हैं। आप सब लोग यहाँ पे आए, जो खुशी आपके आने से हमको हुई है उसे कम से कम शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप सबों के लिए तालियां। अगर कहानी समझ में आ जाएगी तो लोग फिर देखने क्या जाएंगे फिल्म में, इसलिए कहानी कभी समझ में नहीं आनी चाहिए, ताकि ये क्यूरियोसिटी बनी रहे कि फिल्म में क्या होगा। और ट्रेलर के हिसाब से मुझे तो, जैसे मैं अगर ये ट्रेलर देख रही हूँ तो मैं फिल्म देखने जाऊँगी, क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है ट्रेलर। बाकी जितना आपने इसे देखा है फिल्म को, जितना टीज़र लॉन्च है या जो भी आपने देखा, उतना ही मैंने देखा है फिल्म, तो मुझे नहीं पता है फिल्म में क्या है, और ना ही मेरे को इसकी कहानी पता है। लेकिन डेफिनेटली ये मेरे हस्बैंड की फ़िल्म है, उन्होंने प्रोड्यूस की है, पहली फिल्म है उनकी, तो मैं तो चाहूँगी कि ये फिल्म बहुत चले, और इसमें 3 प्रोड्यूसर्स और भी हैं, और जो एक्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इसमें, तो देखिए। बाकी तो आपके हस्बैंड ही प्रोड्यूसर और फिल्म में आप कहीं नजर नहीं आ रही है, मुझे लगता है हस्बैंड वाइफ को कभी इकट्ठे काम नहीं करना चाहिए। मेरी ऐसी पर्सनल थिंकिंग है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमेशा काम अलग अलग करना चाहिए, इसलिए हम लोग यही स्ट्रेटजी पे चलते हैं, जहाँ पे मैं काम करती हूँ वो काम नहीं कर रहे होते, और जहाँ वो काम कर रहे होते मैं काम नहीं कर रही। लेकिन हाँ, हम डेफिनेटली एक दूसरे को सजेशंस देते हैं,
हम लोग चाहते हैं कि मैं चाहती हूँ उनका काम चले, वो चाहते हैं मेरा अच्छा हो, तो इसलिए मैं इस फिल्म में नहीं हूँ और मेरे लिए रोल भी नहीं था। नहीं, उन्होंने मुझे बोला था मैं फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक हमारे प्रोफेशन का संबंध है हम इंटरफियर नहीं करते एक दूसरे की लाइफ में, और हम सिर्फ अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं जहाँ हमारी फैमिली आ जाती है हम सिर्फ वहीं तक एक दूसरे की इंटरफियरेंस हमारी होती है। हम सजेस्ट करते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मानना नहीं मानना उनकी मर्ज़ी है या मेरी मर्ज़ी होती है, तो तभी मुझे लगता है लाइफ ठीक चलती है। हाँ, अगर हमारी फैमिली की कोई मैटर हो और फिर हम एक दूसरे को सजेस्ट करें वो डिफरेंट बात है। इस फिल्म में मैंने कभी उनको कुछ नहीं कहा कि उनको ये करना है या नहीं करना है, वो कैपेबल हैं, इतने साल से इंडस्ट्री में हैं, उनको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आपने ट्रेलर देखने के बाद अपने फैंस और क्लब के फैंस तो बहुत लोग हैं, तो फैंस से क्या कहना चाहेंगे इस मूवी को लेकर? मैं यही कहूँगी कि अच्छी फिल्म है, इंटरेस्टिंग फिल्म है, और आप ज़रूर देखिए, आपको मज़ा आएगा फिल्म देखने में। तो बस इतना ही कह सकती हूँ, और मेरी शुभकामनाएँ हैं फिल्म के साथ, और वो तो होनी ही। थैंक यू सो मच। देखिए, मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत मुश्किल है, पिछले 25 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ और काम करता रहा हूँ। मैं और नीरज भारद्वाज ने कोशिश की कि मतलब एक फिल्म बनाई जाए, ये नारी प्रधान है, जो आज की हकीकत कहानी है जो बच्चों पे होती है। हमारी कहानी मोस्ट टू माया जो है ना, एक बच्ची की कहानी है, आज जो बच्चियों के साथ होता है और उसके बाद मतलब कि क्या क्या होते हैं, ये उसी तरह की कहानी है। तो जिस तरह से आपने बताया कि नारी प्रधान होती है, लेकिन जिस तरह से हम ट्रेलर देख रहे हैं, ट्रेलर में किस तरह से महिला पर अत्याचार किया जा रहा है, तो ये चीज़ें दिखाना क्या सही है? देखिए, क्या है कि कुछ चीज़ें जो है ना, कोई कहानी ऐसी होती है कि जो बोल के नहीं कहे जा सकते, उसको अगर हम दिखाएं ना तो लगेगा कि हाँ जी हम जो कहना चाहते हैं वो दिखा सकते। तो हमारी कोशिश यही कि मैं मतलब कि ऐसी नहीं है कि देखने में भले लग रही होगी कि शायद ये सेक्सी फिल्म हो चाहे, बट ऐसी कुछ नहीं है। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह फिल्म ऐसी ही नहीं है। कुछ फिल्मों से नाम जोड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं अभी नहीं जोड़ूंगा, देखने के बाद आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि इसमें कोई सेक्स नहीं है। तो आपको कॉमेडी लगेगी, आपको ये लगेगा, कुछ अलग लगेगा, लेकिन मतलब ट्रेलर कुछ और है, लेकिन फिल्म में लोगों को कुछ और नजर आएगा। हाँ, फिल्म में कुछ और नजर आएगा, जो कि एक बच्ची की कहानी है, एक छोटे शहर की राजस्थान की रहने वाली बच्ची है, जैसे आज आपने कठुआ में सुना होगा कि बच्चियों के साथ अत्याचार होते हैं और उसकी क्या मतलब उसका परिणाम होता है, फिर उनकी मनस्थिति किस तरह से होती है, तो वो बच्ची धीरे धीरे कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है और क्या क्या मतलब उस पर। वैसे तो नारी प्रधान होती है और फिर उसने दिखाया है कि नारी सचमुच लोगों पर भारी है। देखिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि मैं कहाँ नहीं जाना चाहूँ, मैंने कोशिश की है कि एक साफ सुथरी एक अच्छी फिल्म बनाऊँ जिससे मैसेज मिले कि जो ये बच्चों के साथ करते हैं, लोगों के साथ करते हैं, वो ऐसा ना हो। एक नारी के साथ अक्सर आप सुनते होते हैं यहाँ रेप हो गया और उसके बाद उसके एवज में क्या होता है, वो उस चीज़ को मैंने कोशिश की है कि दूर करूँ। अरे, आपको फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि मैंने क्या कहने की कोशिश की है। ये कहानी सोच से या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको जिसकी लाइफ को देखते हुए इस कहानी को लिखा गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक काल्पनिक कहानी है, किसी पे नहीं। हाँ, बट जो आज की ये चल रही है, जो आज का सिचुएशन है, उससे आधारित है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने किसी पे सोच के नहीं किया कि मतलब ये है, मैंने सोचा कि ये हो रहा है समाज में, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसी की कोशिश की है कि ऐसा ना हो। बाकी देखें ऑडियंस क्या कहती है, ऑडियंस सब ऑडियंस के हाथ में है। हमारी कोशिश है कि एक अच्छी फिल्म हो, लोग इसको अप्रिशिएट करें, बाकी देखें क्या। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच।
घूमने गया था, ठीक है। ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, एक बहुत अच्छी और शुद्ध फिल्म लग रही है, देसी फिल्म लग रही है, तो अच्छा है। ऑल द वेरी बेस्ट पूरी टीम के लिए, बड़ी मेहनत से फिल्म बनी है, मैंने भी एक छोटा सा किरदार निभाया इस फिल्म में, तो क्या किरदार निभाया? फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा, बहुत छोटा सा किरदार है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, फिल्म का टर्निंग पॉइंट है। तो टीम बहुत अच्छी थी, विदिता ने बहुत अच्छा काम किया, विदिता के साथ ही मेरा था तो विदिता ने बहुत अच्छा काम किया, विदिता पे ही बेस फिल्म है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे ख्याल से इस फिल्म से विदिता को काफ़ी फायदा है। इट इज़ आई थिंक बहुत एक्साइटिंग था, और यूनिफॉर्म पहन के मुझे ऐसा लगा एक बार, क्योंकि काश मैं शायद जिंदगी में पुलिस ऑफिसर ही बन जाती। बट बहुत ही खूबसूरत कहानी है, एक तरह से कहूँ तो महिला सशक्तिकरण की भी कहानी है, दो महिलाओं की, उनकी स्मार्टनेस, उनके शार्पनेस ऑफ माइंड, उनकी दुविधाएं, उनके कॉन्फ्लिक्ट, उनका दुख, सब कुछ मिला जुला कर इन दो महिलाओं के साथ जो कुछ भी होता है उनकी पर्सनल ज़िंदगी में भी, तो उसको लेकर कहानी रची गई है। और एक सिचुएशन थ्रिलर है, एक सिचुएशन ये भी है कि कैच मी इफ़ यू कैन, एक पुलिस महिला है, एक अगर कहें कि कल्प्रिट है या नहीं है अभी हमें मालूम नहीं है। सो आप लोग ज़रूर देखें, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मज़ा आएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं कुछ महीने पहले इस फिल्म से भी, तब मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ये फिल्म करनी है, मुझे इनवाइट किया गया था जहाँ पे महिला थाने जब ओपन हुए थे, तो एक महिला थाने पे मुझे जाने का मौका मिला, और वहाँ पे मैंने काफ़ी पुलिस, फीमेल पुलिस ऑफिसर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, और कुछ ऐसे ही बातचीत ही ऐसी हुई कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या होता है, सो वो कहीं आपके जहन में रह जाती हैं ऐसी बातें। और दूसरा, जब हम शूट कर रहे थे, एक्चुअल शूट जो था वो थाने में ही हो रहा था इनफैक्ट, और उसकी अपनी खूबसूरती थी कि अ सेट हैड बिकम अ लर्निंग ग्राउंड फॉर मी। I was talking to the officers there while I was shooting and in between the shots, and that also you know it kind of helps you a lot. Aur baki to aap you know aapki rozmarra ki zindagi mein ya kabhi bhi jahan bhi interaction hota hai wo aapki dimag mein aap wo baatein rakhte hain, aur phir baki hamare director the jo hame he was there to guide us, Manoj ji. अपकमिंग प्रोजेक्ट, ओके, आई एम वर्किंग ऑन वन मोर फिल्म, और अभी मैं उसका नाम नहीं ले सकती, और ये है कि आशा करती हूँ कि अभी तो मोक्ष टू माया लोगों को पसंद आए, और भी अच्छे अच्छे किरदार खेलने का मौका मिले। थैंक यू। ये सबसे पहले तो कहूँगा ये एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर है, बहुत ही फास्ट पेस मूवी है, और जिसमें एक औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी है, एक औरत को हम समझ नहीं पाते आज तक, जो सदियों से कोई भी नहीं समझ पाया है, तो जो ये करेक्टर है माया, ये कहीं इसमें बहुत ममता है, कहीं डरी हुई है, कहीं बहुत रोमांटिक है, कहीं बहुत शातिर है, बहुत चालाक है, कहीं पत्थर दिल है, हर एक सीन में आपको लगेगा ये कुछ अलग करेक्टर है जो समझ में नहीं आएगा। और एक और करेक्टर से इसकी मुलाकात होती है जो मेघना मलिक प्ले कर रही हैं, वो और ये दोनों बहुत दो अलग अलग करेक्टर हैं, लेकिन एक कॉमन चीज़ है कि दोनों बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो बेसिकली ये कहानी में ये इन दो औरतों की टक्कर है, एक कैट एंड माउस गेम है कि कौन इन दोनों में आपस में जीतता है कुछ क्राइम में।
थैंक यू। मेरा नाम राहुल सिन्हा है। राहुल जी, किस जगह किरदार आपने? इस मूवी में बतौर अभिनेता मैंने जो किरदार निभाया है उसमें टू शेड्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन एकदम से नेगेटिव नहीं है क्योंकि उसके साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसके लिए वो फाइट करता है। तो काफ़ी सस्पेंस है इसमें कि एक कैरेक्टर देखने के बाद ऐसा लगेगा नहीं कि क्या वो वही है लड़का, तो काफ़ी अलग ये रोल मिला मुझे। और जब मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे काफ़ी प्रभावशाली लगा, जिसके कारण मैं ये मूवी मैंने किया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स इतने दिग्गज, मेघना मलिक जी, उन्होंने काफ़ी कंफर्टेबली सारे सीन्स किए हैं, और इतनी ठंड में शूट करने पे भी हमें ऐसा नहीं लगता था कि जैसे कि हम थक गए हैं, टायर्ड हो गए हैं, बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। आई होप कि जनता को काफ़ी अच्छी लगेगी पिक्चर, क्योंकि हमने इसके पीछे बहुत मेहनत की, इट्स अ टीम वर्क। थैंक यू। सबसे बड़ी पहली फिल्म, मेरा किरदार जो है वो एक नेगेटिव लीड का है, जहाँ पर मैं और माया पहले फ्रेंड्स होते हैं और फिर लास्ट में पता चलता है कि ये प्लॉट जो करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, उसके पीछे हाथ किसका है। तो हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते होते हैं और उसके बाद रिवील करते हैं कि ये सारा किरदार उसकी हेल्प करने में किसका है। कहानी में ऐसी खास बात है कि जनता को थिएटर तक लाने में पूरी वो इंटरेस्ट करेगी? डेफिनेटली, जैसे कि देखा कि एक वुमेन की कहानी है जो पहले मासूम थी और ये मजबूर कर देती है उसको ऐसा बनने में, तो वो किस तरीके से कोई जर्नी है उसकी, उस पर ऑडियंस श्योर उसको अप्रिशिएट करेगी, उसको उनने जो भी कुछ किया है वो सरासर निभा रहे। थैंक यू। मैं एक नारी हूँ, मैं एक टीचर हूँ, और टीचर से ये प्रोड्यूसर की एक जर्नी थी, वहाँ पर ये मुझे इंस्पायर ज़रूर कर दी ये स्टोरी, जब कपिल जी ने बताया कि विमेन एम्पावरमेंट पर है, तो मैंने बोला विमेन एम्पावरमेंट पर बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन जब ये जर्नी देखी तब लगा ये एक औरत दूसरी औरत के लिए ही जा सकती है, वो जिस सिचुएशन में थी है और जो उसने किया हुआ है, ये जर्नी अगर सब देखें तो शायद देर विल बी चेंज इन दिस सोसाइटी। तो बीइंग अ टीचर, एक्चुअली एजुकेशन फील्ड से होके आई ट्राई टू डू दिस। तो इस तरह की फिल्में लोगों के बीच में आना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? आनी चाहिए, डेफिनेटली आनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अवेयरनेस कि नारी के कितने रूप हैं जो कोई नहीं जानता है, हमेशा एक बेबस अबला नारी जैसे ही बताया जाता है, बट कौन से सिचुएशन ने उसको यहाँ पर लाया है ये उसको ज़रूर दिखाना चाहिए। थैंक यू सो मच। इस कहानी में ऐसा क्या खास बात लगी कि आपने इस किरदार को निभाने के आपने हाथ में? ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, पहले तो फिल्म सस्पेंस थ्रिलर है, इससे पहले मैंने सस्पेंस थ्रिलर इस तरीके से किया नहीं है, और है कि माया का बहुत बड़ा रोल है और वोमन सेंट्रिक फिल्म है आजकल, अच्छी बात है कि इंडस्ट्री में कुछ वुमन सेंट्रिक फिल्म बन रहे हैं, नहीं तो ऐसे कैरेक्टर आप ज़्यादा हीरो को, आज तक हीरो को निभाते हुए देखे हैं, मुझे मिला है तो मुझे लगा कि चलो करते हैं, जितने मतलब अच्छी बात है कि मैं इस दौर पे पैदा हुई हूँ और ऐसे रोल मुझे आ रहे हैं, नहीं तो पहले हीरोइन का क्या काम था, साड़ी पहनो, खूबसूरत दिखो, डांस करो, दो चार डायलॉग बोलो, ग्लिसरिन लगा के रोल हो, यही था। पर आजकल कितना स्कोप हो गया है खुल के परफॉर्मेंस दिखाने का, खुल के मतलब सिर्फ इंटीमेट सीन्स ही नहीं, बट आपके मन में होता है ना, आप एक्टर हैं तो जी जान लगा के एक्टिंग करेगी, तो वो ऐसा एक रोल है। और आपका नाम क्या है इस किरदार? इस फिल्म में माया का किरदार निभा रही हूँ। तो माया का किरदार निभाते हुए आपने क्या कुछ महसूस किया, जो रियल किसी की जिंदगी में अगर ऐसा हो जाए तो वो क्या फील करती है? देखिए, हमारे देश में अभी भी औरतों के साथ बहुत ही मतलब ख़राब चीज़ें होती आ रही है, अच्छी चीज़ें भी होती है, बट आज भी 9-10 के रात 9-10 बजे के बाद औरतें घर से निकलने के लिए डरते हैं, औरत सेफ नहीं है एक्चुअली, उनके पास इतना टैलेंट होते हुए भी वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में माया जो है, माया का वो बंदा बहुत ही कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से है और वो अपने बीवी पे बहुत अत्याचार भी करता है, वो पति का अत्याचार सहन करती है,
मार भी खाती है फिर भी चुप रहती है, ऐसा है। तो ये कहानी लोगों का, लोगों को कोई एक मैसेज मिलेगा इस कहानी के थ्रू? हाँ, मैसेज तो भर भर के मिलेगा, बहुत मैसेज मिलेगा। और अपने फैंस से और दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? आज ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, ये बहुत ही अलग फिल्म है, आपने ऐसा फिल्म नहीं देखा है। और आप अगर एक वोमन सेंट्रिक, एक एक्शन पैक्ड फिल्म देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। हाँ वही मैं सोच रही, इधर बोल रही हूँ, उधर देखो क्या करूँ। आज हम मिडल में आ जाइए, मिडल मिडल मिडल। जीतू क्या? जीतू लेना है तो लो जल्दी।